गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य के पार्ट थर्ड के बारे में डिस्कस करूंगी। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं विद्यार्थियों अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था और इन शिलालेखों की भाषा के बारे में भी डिस्कस किया था कि महान सम्राट अशोक के शासनकाल के बारे में हमें इन शिलालेखों के माध्यम से भी पता चलता है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अशोक के शिलालेखों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है आपका वृहत शिलालेख, क्या है वृहत शिलालेख, और दूसरा भाग है आपका विद्यार्थियों क्या लघु शिलालेख। वृहत जो शिलालेख है विद्यार्थियों, यहाँ पर 14-14 लेख उत्कीर्ण है। वृहत बड़ी बड़ी शिलाओं पर इनका निर्माण किया गया है। ये 14-14 लेख वृहत शिलालेख 8 स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। कितने स्थानों से? 8 स्थानों से हमें प्राप्त होते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है विद्यार्थियों मान सेहरा, दूसरा है शाह बाज गढ़ी। मान सेहरा और शाहबाज गढ़ी दोनों ही वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों? पाकिस्तान में स्थित है। तीसरा है आपका डोली, चौथा जोगढ़, पांचवा गिरनार, छठा एराबुदी, सातवा सोपारा और मानसेहरा, शाहबाज गढ़ी, डोली, जोगढ़, गिरनार, एराबुदी, सोपारा और एक उत्तराखंड में है कालसी। ये विद्यार्थियों 8 स्थानों पर हमें वृहत शिलालेख मिले हैं। इन शिलालेखों में नैतिक कर्तव्यों और नियमों की बात कही गई है। नैतिक नियम और राजाज्ञा का जो उल्लेख मिलता है वो हमें वृहत शिलालेखों में देखने को मिलता है। और 8 स्थानों से हमें 14 शिलालेख मिले हैं, जिनमें थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी वही चीजें सभी स्थानों पर कही गई है। मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में पड़ते हैं, डोली आपका उड़ीसा में, गिरनार आपका गुजरात में, एराबुदी आंध्र प्रदेश में, सोपारा महाराष्ट्र में और कालसी उत्तराखंड में। मानसेहरा और शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान में है, डोली जोगढ़ उड़ीसा में है, गिरनार गुजरात में है, एराबुदी आंध्र प्रदेश में है, सोपारा महाराष्ट्र में है और कालसी उत्तराखंड में है। इन 8 स्थानों से हमें 14 शिलालेख मिलते हैं। कितने शिलालेख मिलते हैं विद्यार्थियों? 14 शिलालेख मिलते हैं। अब बात आती है कि इन 14 शिलालेखों में किन किन बातों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है विद्यार्थियों। तो देखिए, प्रथम शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, द्वितीय, तृतीय शिलालेख, चतुर्थ शिलालेख, पंचम शिलालेख, छठा शिलालेख, सातवां शिलालेख, आठवां शिलालेख, नवां शिलालेख, दशम। अब इनमें क्या क्या है, किन किन चीजों का उल्लेख हमें इन शिलालेखों में देखने को मिलता है विद्यार्थियों?
वो देखते हैं। देखो बच्चों, प्रथम शिलालेख में किसके बारे में बताया गया है? प्रथम शिलालेखों में कहा गया है पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए, पशु बलि की निंदा जो है इस शिलालेख में हमें देखने को मिलती है। और अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धीरे धीरे अपने राज्य में पशु बलि पर रोक भी लगा दी थी। तो प्रथम शिलालेख में कहा गया है कि पशु बलि नहीं की जानी चाहिए। और राज जो आपका महल है वहां पर भी एक नियम बना दिया गया था कि पशुओं की बलि नहीं दी जाएगी। शाकाहारी भोजन पर ज्यादा जोर दिया गया, मांसाहारी भोजन कभी कभी ही को जो जहां पर भोजन बनता था वहां पर बनता था। बाकी पशु बलि की निंदा की बात आपके प्रथम शिलालेखों में कही गई है। दूसरा जो शिलालेख है उसमें समाज कल्याण की बात कही गई है, मनुष्य व पशु, मनुष्य व पशु चिकित्सा किस प्रकार की जाएगी, उसका प्रबंध कहाँ कहाँ पर औषधालयों की स्थापना की जाएगी, इन सब के बारे में आपको द्वितीय शिलालेख में देखने को मिलता है विद्यार्थियों। तीसरा शिलालेख, तीसरे शिलालेखों में जो है विद्यार्थियों वो क्या बात कही गई है वो देखिए। तीसरे शिलालेख की अगर हम बात करें तो तृतीय शिलालेख में क्या कहा गया है वो देखते हैं। तृतीय शिलालेख में कहा गया है कि राज्याभिषेक, राज्याभिषेक तृतीय शिलालेख में कहा गया है कि जो प्रादेशिक प्रादेशिक रज्जुक और युक्त इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी और इनको कहा जाएगा कि हर पांचवें वर्ष में ये धम्म यात्राएं करेंगे और इन यात्राओं में धर्म का नैतिकता का उपदेश जो है वो जनता को उपलब्ध करवाएंगे। ये बात आपकी तृतीय शिलालेखों में कही गई है। तो प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति धर्म का प्रचार करने के लिए की गई। नैतिकता, शिष्टाचार, आत्मसंयम किस प्रकार स्थापित किया जाएगा, इन सब के बारे में जनता को संदेश पहुंचाने का कार्य इन तीनों अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। ये बात मिलती है तृतीय शिला लेख में। अब बात करते हैं चौथा शिला लेख, चौथा शिला लेख, चौथा शिला लेख में क्या है बच्चों, कहा गया कि युद्ध धम को छोड़कर, युद्ध धम को छोड़कर छोड़कर धम्म घोष, युद्ध घोष को छोड़कर धम्म घोष को अपनाया ने की बात कही गई। आप सबको पता है कलिंग युद्ध से पहले अशोक के द्वारा अनेक युद्ध किए गए, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या कर दिया बच्चों, उसने युद्ध धम्म को छोड़कर धम्म घोष को अपना लिया था। तो धम्म घोष को अपनाने की बात चौथे शिलालेख में हमें देखने को मिलती है। अब बात आती है विद्यार्थियों कौन सा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख, पांचवा शिलालेख की अगर हम बात करें विद्यार्थियों तो पांचवे शिलालेख में हमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति, धर्म महामात्रों की नियुक्ति, विदेशों में धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जाएगी जो भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। इसके लिए किसकी, धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात अशोक के पांचवें शिलालेख में देखने को मिलती है विद्यार्थियों। इसके बाद आता है छठा शिलालेख, कौन सा छठा शिलालेख में कहा गया है कि राजा द्वारा राज्य के कार्यों का संपादन, राज्य के कार्यों का संपादन किस तरीके से किया जाएगा और इसके लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की गई, प्रतिवेदक,
तो प्रतिवेदक जो अधिकारी बनाया गया उसको कहा गया कि जनता के कल्याण से संबंधित अगर कोई भी मसला है और मैं कहीं पर भी हूँ तो प्रतिवेदक को राजा से मिलने की अनुमति होगी। तो प्रतिवेदक जनता के मध्य जाकर के जनता की समस्याओं को समझकर राजा को उससे आगाह कराने का कार्य करता था। तो प्रतिवेदकों का उल्लेख अशोक के छठे शिलालेख में मिलता है। इसमें बताया गया है कि राज्य के कार्यों का उल्लेख किया गया है कि राजा को किन किन कार्यों का संपादन करना चाहिए। उसके बाद आता है विद्यार्थियों सातवां शिलालेख। सातवां शिलालेख जो है आपका वो किसकी बात करता है विद्यार्थियों? आत्मसंयम की। आत्मसंयम की बात करता है, सदाचार, सद्भावना, आत्मसंयम की बात करता है कि किस प्रकार मनुष्य को अपने आप को आत्मसंयमित रखना है, नैतिकता का पालन करना है, नैतिकता का आचरण करना है, अपने चरित्र का विकास किस प्रकार करना है, ये हमें अशोक के सातवें शिलालेख में देखने को मिलता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब बात आती है आठवां शिलालेख। कौन सा? आठवां शिलालेख। तो ये आप एक बार और देख लीजिए, मिटाने से पहले लिख भी लीजिए विद्यार्थियों कि अशोक के जो शिलालेख है उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं, वृहत शिलालेख या दीर्घ शिलालेख, और दूसरा है विद्यार्थियों लघु शिलालेख। वृहत शिलालेख जिसमें नैतिक नियमों का उल्लेख देखने को मिलता है, 14 लेख इन 8 स्थानों पर सिमिलर देखने को मिलते हैं, जिनमें 8 स्थान कौन कौन से है? पहला है मानसेहरा, दूसरा है शाहबाजगढ़ी जो दोनों पाकिस्तान में है, तीसरा धोली और जोगढ़, चौथा गिरनार जो कि गुजरात में है, छठा है एरागुडी जो कि आंध्र प्रदेश में है, सोपारा जो कि महाराष्ट्र में है, और आठवां कालसी जो कि उत्तराखंड में है। विद्यार्थियों एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है और आरपीएससी का रीट एग्जाम पे जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ध्यान रखना विद्यार्थियों कि जो 11वां 12वां और 13वां जो शिलालेख है इसका उल्लेख इन दो स्थानों में देखने को नहीं मिलता है। यहां पर 11 और 12 की जगह 1 और 2 पृथक अभिलेख या पृथक शिलालेखों का वर्णन यहाँ इन दो स्थानों से हमें देखने को मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है विद्यार्थियों कि धोली और जोगढ़ जो कि उड़ीसा में है, 11, 12 और 13वें शिलालेख का उल्लेख यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर पृथक उल्लेख मिलता है 1 और 2 जो कि आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रथम ये जो अभिलेख है इनमें किन किन चीजों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो 8 स्थानों से हमें वृहत शिलालेखों के 14 शिलालेख एक जैसे देखने को मिलते हैं विद्यार्थियों। तो उन जो शिलालेख है उनमें हमने 7 का उल्लेख कर दिया है विद्यार्थियों। प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की बात कही गई है, दूसरे शिलालेख में समाज कल्याण, पशु व मानव चिकित्सा के प्रबंध की बात कही गई है, तीसरे में 3 अधिकारियों की नियुक्ति की बात कही गई है, प्रादेशिक, रज्जुक और युक्त। इसके अलावा ये धर्म और नैतिकता का प्रचार जो है समाज में करेंगे इसकी बात जो है हमें तीसरे शिलालेख में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है चौथा शिलालेख। चौथा शिलालेख में कहा गया कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध धम्म को त्याग कर धम्म घोष को स्थापित किया, धर्म को अपनाया, युद्ध को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया, इस बात का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उसके बाद पांचवें शिलालेख में कहा गया कि अशोक द्वारा अपने धर्म का प्रचार करने के लिए विदेशों में अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पांचवें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति की बात कही गई है। छठे शिलालेख में राज्य के कार्यों के संपादन और प्रतिवेदकों की नियुक्ति की बात हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है विद्यार्थियों सातवां शिलालेख। सातवें शिलालेख में
आत्मसंयम और सद्भावना के बारे में बताया गया है कि जनता द्वारा किस प्रकार आत्मसंयमित होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। अब बात आती है विद्यार्थियों आठवां शिलालेख। आठवें शिलालेख में अशोक के द्वारा जो तीर्थ यात्राएं की गई उनका उल्लेख किया गया है कि अशोक ने कहां कहां पर तीर्थ यात्राएं की। बताया गया कि राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में, राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? बोध धर्म का जो पवित्र तीर्थ स्थल है गया, वहां की यात्रा राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में की थी। ये बात कौन सा आठवां शिलालेख इस बात को बताता है कि राज्याभिषेक के दसवें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी किसने? अशोक ने। ये विद्यार्थियों आपके रीट एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 14 शिलालेख इंपॉर्टेंट है। ना केवल रीट, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से क्वेश्चन बन जाता है विद्यार्थियों। तो इन 14 के 14 शिलालेखों में किन किन चीजों का उल्लेख है ये बात समझना आपके लिए आवश्यक है, और आवश्यक होने के साथ अगर आप चाहते हैं कि इनको सीखे समझे तो मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पर बने रहिए विद्यार्थियों। अब आता है नवम शिलालेख। कौन सा आता है? नवम शिलालेख। नवम शिलालेख जो है वो शिष्टाचार की बात करता है। किसकी बात करता है? शिष्टाचार की बात जो है वो आपका नवम शिलालेख करता है कि राजा और प्रजा दोनों को ही क्या करना चाहिए? शिष्टाचार के नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आता है दशम शिलालेख। दशम शिलालेख, दशम शिलालेख में किस बात का वर्णन है विद्यार्थियों? दशम शिलालेख में प्रजा हित की बात कही गई है, जन कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख जो है हमें दशम शिलालेख में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ग्यारहवां शिलालेख। ग्यारहवां शिलालेख, ग्यारहवां शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। क्या की गई है? धम्म की व्याख्या की गई है ग्यारहवें शिलालेख में। इसके अलावा बारहवां शिलालेख, बारहवां शिलालेख, बारहवां शिलालेख में हमें किस बात का उल्लेख मिलता है विद्यार्थियों? बारहवें शिलालेख में हमें धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सहिष्णुता और धार्मिक सहिष्णुता और स्त्री शिक्षा की बात जो है हमें कौन से शिलालेख में मिलती है? बारहवें शिलालेख में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है तेरहवां शिलालेख। तेरहवां शिलालेख में विद्यार्थी सबसे इंपॉर्टेंट कलिंग युद्ध का उल्लेख है। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ, इसका उल्लेख हमें अशोक के तेरहवें शिलालेख में देखने को मिलता है। उसमें बताया गया है कि कलिंग युद्ध जो हुआ उसके बाद अशोक ने युद्ध धम्म को त्याग कर धम्म घोष को अपना लिया था। कलिंग युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था विद्यार्थियों। इस बात का उल्लेख हमें अशोक के तेरहवें शिलालेख जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा? तेरहवां, तेरहवां जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा गया। देखो विद्यार्थियों, हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है जो क्वेश्चन रेगुलर में आ रहे हैं हम उनके ऊपर फोकस नहीं करते हैं, और कई बार इजी क्वेश्चन होने के बावजूद हम उसका आंसर गलत कर लेते हैं। तो जो ट्रेंड में क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, और जिसने छोड़ दिया उसका सिलेक्शन होना नहीं है। तो ट्रेंडिंग जो क्वेश्चंस हैं उन पे फोकस हमेशा रखना है और ध्यान रखना है कि इनमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरा आंसर गलत नहीं जाना चाहिए। और अगर आप इन ट्रेंडिंग क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करोगे तो विद्यार्थियों आप सफलता के बहुत ही नजदीक पहुंच जाओगे। तो तेरहवें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अंतिम शिलालेख है विद्यार्थियों चौदहवां शिलालेख। कौन सा है? चौदहवां शिलालेख।
14वें शिलालेख में धार्मिक कार्यों का संपादन, धार्मिक कार्यों के संपादन की बात जो कही गई है वो आपके मिलता है कौन से शिलालेख में, 14वें शिलालेख में। तो आज हमने अशोक के वृहत शिलालेखों के बारे में डिस्कस किया जो कि 8 स्थानों पर एक ही चीजें 14-14 शिलालेख या 14-14 लेख उन पर उत्कीर्ण हैं, इस बात का हमें 8 स्थानों से पता चला। मानशेरा, शाबाजगढ़ी, गिरनार, डोली, जोगढ़, एरागुड़ी, सोपारा और कालसी, इन 8 स्थानों से 14 शिलालेख हमें देखने को मिले। पहले में पशु बलि की निंदा, दूसरे में समाज कल्याण में मनुष्य व पशु चिकित्सा का प्रबंध, तीसरे में प्रादेशिक रज्जु और युक्त की नियुक्ति, इनकी डिटेल हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। चौथा शिलालेख धम्मघोष, पांचवा शिलालेख धर्म महामात्रों की नियुक्ति, छठा शिलालेख राज्य के कार्यों का संपादन, सातवां शिलालेख आत्मसंयम और सद्भावना, आठवां शिलालेख तीर्थयात्रा का उल्लेख, राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोधगया की यात्रा, नवम में शिष्टाचार, दशम में प्रजाहित, 11वें में धम्म की व्याख्या, 12वें में धार्मिक सहिष्णुता, 13वें में कलिंग युद्ध जो सबसे इम्पोर्टेंट है और पिछले एग्जाम्स में आ चुका है कि कलिंग युद्ध का उल्लेख कौन से शिलालेख में है, तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों 13वें शिलालेख में इसका उल्लेख है। अंतिम शिलालेख विद्यार्थियों 14वां शिलालेख है, 14वां शिलालेख में धार्मिक कार्यों के संपादन की बात कही गई है। इनमें सबसे बड़ा जो शिलालेख है वो है आपका 7वां शिलालेख जो कि सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट जो शिलालेख माना जाता है विद्यार्थियों वो है आपका 13वां शिलालेख जो कि कलिंग युद्ध का वर्णन करता है। आगे के वीडियोस में हम अशोक से संबंधित जितने भी टॉपिक्स है उन सबको क्लियर करने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा मौर्य साम्राज्य में से। इसके लिए आप मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, जितना मैं आपको अच्छे से समझा सकती हूँ उतनी मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके साथ ही आज जो मैंने आपको अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में 14 लेख जो बताए हैं उनको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है, 2 या 3 बार भी अगर आप इसको लर्न करोगे विद्यार्थियों तो आपको ये लर्न हो जाएगा। इसी के साथ आप मेरे नव भारती स्टडी सर्कल चैनल पे जुड़े रहिए, यही मेरी हार्दिक कामना है। धन्यवाद विद्यार्थी।